नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है फिर से आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने का, तो सॉरी इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से देर से कम तंदुरुस्त हुआ है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलो वीडियो को अभी एंड तक देखो, तभी आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर रहे क्योंकि क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो कैसे मुझे एनर्जेटिक फील होगा। और कमेंट अपना जरूर डालिए, वीडियो को पहले एंड तक देखो, ठीक है? तो पहले दिखाने से पहले जो मैं एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ, मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि बस उससे पहले आपको लाइक करना है, ठीक है? तो चलो जरा देखो, ये आपका एक सिंथेटिक डिटर्जेंट वाटर के साथ मिलाया गया यहाँ पर है, ठीक है? और ये फ्लास्क हो गया, फ्लास्क में आपको इस तरह से ये रबर कॉर्क हो गया, तो थोड़ा सा और मिलाते हैं यहाँ पर, ठीक है? और मिक्सअप करने के बाद में ये दिख रहा होगा आपको, और ये प्योर वाटर में रखा गया था जिसके कारण से झाग इतना आ रहा है। ऐसे भी सॉफ्ट वाटर में होने के बाद भी झाग ऐसे आता भी है, या हार्ड वाटर में रहेगा तो भी झाग आएगा ही, है ना? इसको लेदर बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान देना इसमें, तो इतने सारे ढेर सारे आपको लेदर दिख रहा होगा। तो इसमें अगर मैं एक लाइट को अगर पास करवाऊँ तो क्या होगा? यहाँ पे आज आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि टिंडल इफेक्ट भी समझना है, ठीक है? तो इस मैं लाइट को ऑफ करता हूँ और जरा देखो यस, यहाँ पे क्या दिखा पूरी तरह से। वाओ, ये कलर जो दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है? यहाँ से लाइट को स्कैटर कर रहा है। अगर रेड कलर करे तो रेड को स्कैटर कर रहा है, तो मालूम चल गया यहाँ पर कि स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज तो समझ में आ गया ना कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा। इसलिए इससे लाइट क्या हो रहा है यहाँ से ना, यहाँ से कि अगर यही ट्रू सॉल्यूशन रहता, ट्रू सॉल्यूशन में यानी कि किसी तरह का कोई भी मिक्सर है जैसे सॉल्ट और वाटर हो गया, तो इसमें क्या होगा, किसी तरह का लाइट पास करते हुए निकल जाएगा, ठीक है? तो लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें पाथ दिखता है और ये लाइट को स्कैटर कर रहा है, ठीक है? इस बात को ध्यान देना है। और मैं एक और चीज़ को लेता हूँ यहाँ पर, ये जानने होंगे, ये आपका जो हो गया ये मिल्क है, ठीक है? ये आपका दूध है यहाँ पर। तो अगर इसमें लाइट करते हैं तो कितना स्कैटर करता है, जरा देखते हैं इसको। तो ये जरा देखो यहाँ पर, ये उतना ज़्यादा स्कैटर नहीं कर रहा है, ठीक है? ये उतना ज़्यादा स्कैटर नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा इसका जो है ना अमाउंट, ये आपको 100 ml से ऊपर है, और ये जो है आपका इतना पर, ये आपका 50 ml है, 50 ml से भी कम है। तो ये 100 ml से है तो थोड़ा ज़्यादा है मुझे इसलिए लगता है, लेकिन फिर भी इतना स्कैटर कर रहा है। और रेड कलर करे तो फिर भी स्कैटर बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मिल्क में भी ये कोलाइड सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर लाइट को पास करवाते हैं तो वो क्या करता है, स्कैटर करता है, ठीक है दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आ गया। और ये दूध भी बढ़िया है, गाय मिल्क है तो बढ़िया है, तो बड़ा मज़ा आया इसमें। देख सकते हो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होगा। तो आपको मालूम चल गया होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है और टिंडल इफेक्ट भी क्या है, ठीक है? और इससे आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर ये आपको क्या है, यहाँ से लेजर लाइट मैंने पास करवाया तो कैसे आपको दिख पा रहा होगा, ये भी है। तो इसके बारे में पूरी तरह से आपको नॉलेज मालूम चल गया, सीखने को भी मिल गया। इसलिए ध्यान देना है आपको बच्चों, क्या करना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर एग्जामिनेशन में है तो जरूर इसके बारे में लिखे और अपनी कमेंट जरूर डाले, जिससे इस पर मैं कुछ और अच्छे से बना पाऊंगा। दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, रिएक्शन का इंतजार रहेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।